क्षेत्रीय सांस्कृतिक एवं तकनीकी उत्सव का आयोजन किया गया। ऐसे में आपको बता दें कि 7 दिनों में 13 कार्यक्रमों में 700 से अधिक छात्रों ने भाग लिया, तो वही 200 छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर सच्चिदानंद राय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों को दिशा निर्देश दिया कैसे सड़क दुर्घटनाओं से बच सके। तो क्या कुछ कह रहे हैं इन सभी चीजों को लेकर सच्चिदानंद राय, पहले उनकी बातों को सुनिए। तो मुझे नहीं अंदाजा था कि मैं इतना अच्छा आगाज देखने जा रहा हूँ। इस कार्यक्रम का नाम भी आगाज रखा हुआ है और यहाँ पर क्लास 8 to 12 के बच्चों ने जिस तरह के साइंटिफिक मॉडल्स बना रखे हैं, एक तो कुछ पुराने टेक्नोलॉजी है जिसको इन लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ प्रेजेंट किया, समझाने का काम किया है, और कुछ लोगों ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में भी अपना एक नज़रिया पेश किया है। और बच्चों में सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि उसको बना भी रहे हैं और एक आई टी एम के सामने सिखा भी रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगा हमें, क्योंकि हम देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, कहीं कहीं कमियां रहती है तो मैं थोड़ा बहुत सुधार भी देता हूं और कहीं कहीं उनसे सीख लेता हूं। तो ये बड़ा एक मतलब कि टू वे ट्रैफिक है, मैं भी कुछ इनको दे रहा हूं और मैं इनसे कुछ ले भी रहा हूं। कैसा लगा सर बच्चों का यह प्रयास? बिल्कुल, मैं तो भाई टेक्नोलॉजी का आदमी हूँ, तो टेक्नोलॉजी देखते ही बस मेरी क्या कहते हैं माएँ फड़कने लगती हैं कि भैया ठीक है हम भी जरा दो दो हाथ कर लें। हमने उसको 10 फुट ऊँचा करके जॉयस्टिक के ऊपर में वहाँ बैठाया, तो क्या होगा 16 डायरेक्ट सनलाइट भी है प्लस के उसके नीचे का जगह हम यूज कर सके ना, कर सकते हैं उसके नीचे बच्चों को खेलने के लिए पार्टी जोन का बनाकर। ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है खुद का। बता दें कि चंद्रयान बायोगैस, बायोमास और सोलर पैनल के उपयोग का जो मॉडल बनाया, कुछ तो पारंपरिक और पुराने मॉडल थे, लेकिन कुछ मॉडलों ने बच्चों के दिमाग में कुछ नया करने का जज्बा दिखा रहा था। उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में डॉक्टर एस के पांडे, विकी आनंद, मनोज संकल्प आदि शामिल थे। छात्रों द्वारा तैयार किए गए 100 से अधिक विज्ञान मॉडल कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थे। विद्यार्थियों ने गीतों के साथ साथ नृत्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए, लेकिन कुमकुम द्वारा प्रस्तुत नाटक ने सभी का दिल जीत लिया। सच्चिदानंद राय ने भी छात्रों की सराहना की। अवंती क्लासेस के निदेशक ने अतिथियों और अभिभावकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। इसको लेकर क्या कुछ कह रही हैं वहाँ के छात्र, पहले उनकी बातों को भी सुनिए। हमारे अंदर पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल में स्कल, ये स्टेनम, रिब्स और स्पाइन आते हैं, ये हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। और अपेंडिकुलर में अपर लिम्स और लोअर लिम्स आते हैं। और सर जैसे अपर लिम्स में क्या होता है कि जो हमारे शोल्डर से लेके बैकबोन तक का जो जॉइंट होता है इतना से इतना, उसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं उस बोन को। फिर वो जो हमारा शोल्डर होता है जिसे हम मूव करते हैं, वहाँ पे एक बोन होता है जिसको हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। फिर वहाँ से फिर शोल्डर के पास से ना एल्बो तक एक बोन्स होता है जो इस पोर्शन को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। फिर एल्बो से लेके कार्पल तक 2 बोन्स आते हैं, एक का नाम रेडियस, एक का नाम है एल्बोडा। रेडियस जो होता है वो क्या होता है वो पूरे थंब तक जाता है और उल्ना जो होता है वो उसके साइड में सपोर्ट देता है। फिर कार्पल आता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ के छात्र हैं पेंटिंग के द्वारा कैसे सड़क दुर्घटनाओं में बचा जा सके इसको लेकर समझा भी रहे हैं और बना भी रहे थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।